राष्ट्रपति जी ने जिस प्रोग्राम का जनाब इनॉग्रेशन किया क्लियर एंड हेल्दी सोसाइटी के बारे में, इसका क्या ध्येय है और ये कैसे आप पूरे देश में और पूरी दुनिया में जो आपके वर्कर्स हैं, जो आपके टीम मेंबर्स हैं, उनके थ्रू आप पूरे देश में फैलाएंगे? देखिए, हम ये मानते हैं कि सोसाइटी के अंदर हम कितनी भी कोशिश कर लें कि ना तो स्वच्छता आ सकती है ना स्वास्थ्य ठीक हो सकता है जब तक हम इसकी मूल पर नहीं जाए। एक तरफ आप देखिए जनसंख्या बढ़ रही है और जनसंख्या बढ़ने से स्वच्छता बढ़ेगी या अस्वच्छता बढ़ेगी, और दूसरे हमने मानव ने हर चीज़ को दूषित कर लिया है। अगर जो मेन बातें भी दे पानी और हवा जो हर इंसान के लिए आवश्यक है, इसलिए हमने पोल्यूटेड कर लिया है, इससे खेती उलती है सब होता है बिल्कुल। अब आप सोचिए आगे आने वाले टाइम में वो पोल्यूशन बढ़ेगा या घटेगा? अगर बढ़ता रहेगा तो क्या हालत होगी? अब दिल्ली की टेम्परेचर को देख लीजिए, जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था 31 हो गया तो उसको मानते तो बहुत आग लग गई, आज 46 हो गया, आगे क्या होगा? इसलिए इनके मूल बात की आवश्यकता है, वो है कि मानव के मन को ठीक किया जाए। हम लोग ये मानते हैं मेंटल पोल्यूशन लीड्स टू एनवायरमेंटल पोल्यूशन। अगर मन साफ होगा, बुद्धि क्लियर होगी, माइंड क्लीन होगा तो ठीक होगा। उसके लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण चाहिए, तो मन और बुद्धि आत्मा की शक्ति है। आप ये कैसे पूरे हिंदुस्तान में इसको आप फैलाना चाहेंगे एक व्यवहार के रूप में? हमने इसका एक्सपेरिमेंट किया। ब्रह्मा कुमारी ने पिछले 70 ईयर्स में 10 लाख फैमिलीज ऐसी तैयार की हैं जिसके चलते हैं उन्होंने बहुत फ़र्क पाया। इसी दुनिया में रहते हुए जैसे हम जल में कमल कहते हैं वो रहते हैं, लेकिन उनके अंदर मेंटल पोल्यूशन निकल गया तो अपने और समाज के लिए भी स्वच्छता लाते हैं। वही हम चाहते हैं कि सारे भारत में फैले ताकि हमारा भारत पुनः सचमुच देवी देवताओं का देश हो जाए, जहाँ पर जिसको कहते हैं ना खराबी ना हो। और उसका मूल कारण है मानसिक पोल्यूशन और उसका एक अगले है तो व्यर्थ जिसको हम कहते हैं वेस्ट। राष्ट्रपति जी महामहिम आज इस प्रोग्राम को इनॉग्रेट किए, इसका क्या समावेश निकाला जाए या क्या ध्येय निकाला जाए? राष्ट्रपति जी को बायोडाटा में भी दिखा रहे हैं, इसलिए हमने सोचा कि 1900 डिपार्टमेंट कराए थे जो जीवन पर चलती हैं। उन्होंने भी कहा कि ब्रह्मा कुमारी एक्चुअली रूट कॉज को पकड़े हुए हैं और एक मातृशक्ति उसको कहते हैं ना महिलाओं द्वारा ये कार्य और अच्छा हो सकता है।